अब खबरें विस्तार से। टाटा समूह अपने संस्थापक जमशेद जी नशेरवान जी टाटा का 183वां जयंती मना रहा है। टाटा साहब की जयंती के मौके पर टाटा स्टील कंपनी परिसर एवं बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, सीईओ व प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन समेत अन्य अधिकारियों ने अपने संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पोस्टल पार्क में शहरवासियों को संबोधित करते हुए टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शहरवासियों को संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बहुत जल्द टाटा समूह 40 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल कर लेगी। इसकी तैयारी तेज गति से चल रही है। कोरोना त्रासदी को याद करते हुए कहा कि टाटा स्टील के साथ हम सभी लोगों ने इस मुश्किल की घड़ी को देखा है। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों व उनके परिजनों का आभार जताते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उनका लगातार सपोर्ट मिला, जिसके कारण कभी भी उत्पादन को प्रभावित नहीं होने दिया गया। Something needs to be done to the society. The Tata Group is committed to Tata Steel in a big way, and with the current capacity in India of 20 million tons is going to be doubled during this decade to 40 million tons. And there will be expansion in Jamshedpur. Already we are making investments in downstream businesses. And it is my desire that every Tata Group company has a home in Jamshedpur. Already we are seeing Tanishq, we have brought Big Basket, 1MG, and there are many other companies. Tata Power is very active here, we're bringing solar power here, and I'm hopeful the city of Jamshedpur will not only become a national benchmark in terms of sustainability, in terms of ease of living and all the other facilities that we can create, and also all the other digital technologies we can bring in, I think we can push the envelope to make it a world-class city. भारत के स्टील उद्योग के जनक जमशेद जी नशेरवान जी टाटा की आज जयंती है। टाटा समूह अपने संस्थापक की जयंती को खासे अंदाज में मनाती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक मन्ना गुप्ता गुरुवार अहले सुबह पोस्टल पार्क पहुंचे और टाटा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री मन्ना गुप्ता ने टाटा साहब को जीवंत देवता बताया और भारतीय उद्योग का जनक बताते हुए उनकी दूरदर्शिता को नमन किया। उन्होंने बताया कि आज टाटा साहब की ही देन है जो जमशेदपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है और लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। जीवंत देवता जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा जी का जयंती हम मना रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने इस लौह नगरी में केवल उद्योग नहीं लगाया, बल्कि इसको एक स्वर्ग बनाने की उनकी परिकल्पना थी कि लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं कैसे मिले, कैसे लोग उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करें और वो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी हमारे प्रेरणा के रूप में उन्होंने काम किया। मैं समझता हूँ कि वो एक जीवंत देवता हैं और उनकी ही सोच है कि ये पूरा जमशेदपुर शहर हरा भरा है और लोग जो हैं जीवन यापन कर रहे हैं, सुख समृद्धि से रह रहे हैं। तो ऐसे महान आत्मा के प्रति हम सशक्त नमन करने आए हैं, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करने। जमशेदपुर शहर के संस्थापक जमशेद जी नशेरवान जी टाटा के जयंती के मौके पर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने टाटा साहब को श्रद्धांजलि दी, साथ ही केक काटकर उनके जयंती को मनाया। वैसे शहर भर में अलग अलग संस्था अपने अपने स्तर पर संस्थापक के जयंती को मना रही है। लोकल ट्रेनर यूनियन ने टाटा कंपनी पार्किंग गेट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने संस्थापक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं इस दौरान केक काटकर और राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण किया गया।
इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि आज जमशेदपुर शहर में जो भी निवासी है वो संस्थापक जेएन टाटा के कृतज्ञ हैं, जिनके कारण आज सभी की आजीविका चल रही है। वहीं इन्होंने कहा कि संस्थापक जेएन टाटा के जयंती पर झारखंड सरकार को छुट्टी भी घोषित करनी चाहिए। टाटा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं लोकल यूनियन की तरफ से। टाटा साहब हम लोग को जमशेदपुर में बसाए हैं और हम लोग को रोजी रोटी दे रहे हैं, और यहाँ पर जितने रोजगार चाहे जो भी यहाँ पर सब्जी वाले ठेले वाले सब टाटा साहब के साथ चलते यहाँ पर रोजगार चल रहा है। और उनको हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि आज हम लोग का जमशेदपुर में अन्नदाता और हम लोग का जीवन एक तरह से जीवनदाता भगवान के तौर पर वो आपका माने जाते मान रहे हैं हम लोग कि टाटा में हम लोग हैं तो टाटा साहब के चलते हैं। टाटा साहब आज नहीं रहते तो यहाँ पर ही पूरा जंगल रहता, वीरान रहता। आज हम लोग को झारखंड सरकार से ये मानते हैं कि एक टाटा साहब का पर्व के तौर पे कहीं भी एक छुट्टी का घोषणा कर देना चाहिए कि टाटा साहब। भारतीय ओबीसी महासभा जमशेदपुर के तत्वाधान में जमशेदपुर के जनक जेएन टाटा के जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर मानव सेवा किया गया। मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आयोजकों के द्वारा रक्तदाताओं को शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि इस खास दिन पर मानव सेवा का कार्य कर हम सभी अपने संस्थापक को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज जमशेदपुर की धरती, पावन धरती पर जमशेद जी के नाम पर भारतीय ओबीसी महासभा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने आज टाटा साहब की धरती पर नमक खाते हैं, उनके कर्मों पर जी रहे हैं, उनके बनाए हुए उनके सपनों का शहर है, उस शहर में हम लोग रोजी रोटी रोजगार कर रहे हैं, और इसके साथ में उनके जो योगदान है हम लोग भूल नहीं सकते, इसलिए उनके याद में हम लोग रक्तदान शिविर भारतीय ओबीसी महासभा जमशेदपुर के तत्वाधान में मैं कर रहा हूँ। एक तरफ टाटा समूह अपने संस्थापक जमशेद जी नशरवान जी टाटा की जयंती मना रहा है, दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां अपने समर्थकों के साथ टाटा स्टील दलित पुत्र कर्मचारी संघ और झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले जुबली पार्क गेट पर एक दिवसीय उपवास पर बैठकर टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ जमकर बरसे। पूर्व मंत्री ने टाटा समूह पर यहां के दलित और हरिजन मजदूरों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की बातें कही। पूर्व मंत्री ने टाटा समूह पर साजिश के तहत यहां के मजदूरों के आश्रितों को नौकरी से बेदखल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टाटा समूह अपने संस्थापक की जयंती पर देश भर में जश्न मना रही है, दूसरी तरफ यहां के दलित मजदूर शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर टाटा समूह यहां के दलित पिछड़ों के साथ इंसाफ नहीं करती है तो मुंबई जाकर चेयरमैन आवास का घेराव किया जाएगा। आज हम लोग एक दिवसीय उपवास में बैठे हैं, ये चरणबद्ध आंदोलन उपवास का रहेगा। आज टाटा साहब का जन्मदिन है, आज केक कट रहा है, टाटा साहब के जितने अफसरन लोग आज एकदम मौज मस्ती एकदम पिएगा खाएगा मर खुशी मनाएगा, और एक तरफ दलित मजदूर लोग भूख उपवास कर रहा है। जो हमारे साथ टाटा स्टील दलित कर्मचारी पुत्र संघ और झारखंड मजदूर यूनियन पूरा इसकी लड़ाई में चरणबद्ध लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि हम लोग को बुला करके बातचीत करो, और ये नौबत जो करना पड़ रहा है ये देख रहा कि ये तो टेलर है फिल्म बाकी है। जमशेदपुर के खास महल स्थित प्रखंड कार्यालय में सीएससी द्वारा पीडीएस डीलरों व वीएलई के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहां ग्रामीणों को हर सुविधा पहुंचाते हुए किस तरह से आमदनी को बढ़ानी है इस पर सीएससी के प्रतिनिधियों ने जानकारी साझा की। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को किस तरह से बाजार में लाया जाए, पीडीएस डीलर व वीएलई किस तरह से उत्पादित वस्तुओं की खरीद बिक्री कर सकते हैं, इन सब के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रखंड कार्यालय स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया।
आज जो शिविर लगा गया है, जो इस सिंहभूम में जितने भी पीडीएस डीलर हैं और हमारे वीएडी भाई हैं, उन लोग के लिए लगाया गया है, ये सीएससी का सर्विसेज के लिए, जिसे हम लोग उसका सर्विसेज को कैसे संचालन करेंगे उसके रिगार्डिंग बताया गया है। क्या कुछ ये प्रशिक्षण प्राप्त कर क्या कुछ उसके अनुपालन करेंगे ये? हाँ, ये जितने भी वीएडी भाई हैं और पीडीएस डीलर हैं, तो वो लोग इस प्रशिक्षण को सीख करके अपने जो भी अनुपालन करेंगे तो अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली, जहां पेंटिंग का काम करने वाले मोहम्मद अरशद अपने ठेकेदार मोहम्मद आफताब से दो दिन का बकाया वेतन 700 की मांग करने पर गर्दन में चापड़ से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। जानकारी मिलने पर परिवार के लोग घायल को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल के पिता मोहम्मद नौशाद ने बताया कि ठेकेदार मोहम्मद आफताब बीते दो माह से बेटा मोहम्मद अरशद से काम कराकर दो दिन का वेतन 700 के लिए दौड़ा रहा था। बीते शाम वेतन का मांग करने पर चापर से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। पुलिस को सूचना देने के बावजूद सहयोग नहीं मिला। फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।